Hey guys, welcome back to my YouTube channel JHBD Blog. This is Badal here. Hope you are doing great. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल में जितने भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए. So guys, तो आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला, तो फ्रेंड्स चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर. तो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लॉग चैनल में कोरोना को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा. कोरोना हमारे देश इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा. आप अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सकते हैं कुछ इस तरह से. चलिए तो फिर बताते. तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी कोई घर पे रहे. अब बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर जाएं. हमेशा मास्क पहन कर ही जाएं और एक सैनिटाइजर अपने पास साथ रखें. हमेशा सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोशिश करें कि भीड़ वाले जगह पे ना जाएं. और अपने परिवार का खास ख्याल रखें, जैसे कि घर में दो टाइम काढ़ा बनाकर पिए, गर्म पानी और गर्म खाना का सेवन करें, दूध और बॉयल एग और बॉयल चिकन का सेवन करें. और मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार या आपके आसपास के लोगों को कोरोना का लक्षण हो तो आप घबराए ना, क्योंकि घबराने से और भी प्रॉब्लम बढ़ता है, ना कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है. अगर फ्रेंड्स, अगर कोरोना का लक्षण आपको दिखता है तो उस पेशेंट को होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए. जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में कुछ देर पहले बताया कि आपको बॉयल एग, बॉयल चिकन या दूध का सेवन करना चाहिए अगर कोरोना का लक्षण होता, और डॉक्टर के सजेस्ट से कोई अच्छा सा एक मेडिसिन ले ले, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो मेडिसिन को आप खाएं कोरोना में आपको. और हाँ, हमें इस सिचुएशन में आराम से काम लेना चाहिए. अगर आप ज़्यादा पैनिक होते हैं तो पेशेंट का तबीयत खराब और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, इसलिए आप पेशेंट के साथ नॉर्मल बिहेव करें ताकि पेशेंट को ना लगे कि मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा बीमारी. जिस पेशेंट को पहले से ही किसी तरह का भी बीमारी हो तो आप इस कोरोना बीमारी से थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा इस बीमारी से दूर रहें, ताकि अगर आपको पहले से ही किसी तरह का बीमारी है तो आपको संक्रमित होने का ज़्यादा चांस है. तो कृपया करके आप कोशिश करें कि आप भीड़ भड़ाके इलाके में ना जाएं, आप बिना मास्क के इधर उधर ना जाएं, सैनिटाइजर का हमेशा उपयोग करें. होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स पर कर दीजिएगा, ताकि तो मैं अब आपसे अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर मिलता हूँ. तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट ब्लॉग पे.